नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा ही आपने थंबनेल देखा होगा, बैक फ्लिप कैसे मारी जाती है, दो स्टेप बताए हैं। आज आपको वो दो स्टेप के बारे में बताएंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि आपने मेरी पिछली दो वीडियो नहीं देखी, वो भी जाकर देखो, उससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी बैक फ्लिप सीखने में। क्योंकि मैंने पहली वीडियो में तीन स्टेप के बारे में बताया है और दूसरी वीडियो में दो स्टेप के बारे में बताया है और आज की वीडियो में दो स्टेप के बारे में बताया है। ये लास्ट वीडियो है बैक फ्लिप के बारे में। आप इस तीनों वीडियो को देखकर एक बेस्ट फ्लिपर बन सकते हो, बेस्ट बैक फ्लिप मार सकते हो। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा अपनी टॉपिक पर आते हैं। चलिए आपको दो स्टेप के बारे में और बताते हैं। आ जाओ, आपको पिछले पांच स्टेप बताए गए थे, उन पांच स्टेपों में आपको और बताया गया था भी बैक फ्लिप कैसे मारी जाती है। और आज भी दो स्टेप के और बारे में और बताएंगे, जिससे आप ये दो स्टेप और फॉलो करके एक अच्छी बैक फ्लिप मार सकते हैं। आ जाओ आपको दिखाते हैं। या आपको बताता हूँ पहले मैं, जब आप शहर में रहते हैं तो आप पार्क में जाकर ये दो स्टेप फॉलो कर सकते हैं। या आप कहीं गांव में रहते हैं तो आप कच्ची जगह पर कर सकते हैं इस्तेमाल। और एक स्टेप तो ऐसा है, आप अपने घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान स्टेप है, आप जितना करते जाओगे आपको आपकी बॉडी की मूवमेंट बढ़ेगी वो ऐसी। और आपको वो एक स्टेप बताते हैं पहले, जो कौन सा आप अपने घर पर भी कर सकते हो, पार्क में भी कर सकते हो और गाँव में कच्चे स्थान पर भी कर सकते हो। आ जाओ आपको वो एक स्टेप के बारे में बताते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, आपने ऐसे लेट जाना है। लेट जाने के बाद आपने अपना बॉडी और सिर दोनों ऐसे रखने हैं और ये टांगे उठा के पीछे होने का प्रयास करना। एक बार फिर करके दिखाता हूँ, आपने लेट जाना है, आपने ऐसे करके टांगे उठा के पीछे को प्रेशर देना है। जितना आप पीछे को प्रेशर दोगे आप उतना ही आपकी बॉडी रोल होगी। जैसी आपकी बॉडी रोल होगी आप वैसी आसानी से बैक फ्लिप मार सकते हो। एक बारी फिर करके दिखा देता हूँ, आपने लेट जाना है, ये पैर पूरी लात, ये लोअर बॉडी को आपने ऐसे उठा के और ये हाथ ऐसे ले जाके पीछे, ये जो सी अपनी टांग है ना इसको पीछे करने की कोशिश करनी है। पहले उठा के फिर हाथ लगा के एकदम सी पीछे प्रेशर देना है। ये था हमारा पहला स्टेप। आइए दोस्तों आपको मैं दूसरे स्टेप की ओर लेकर चलता हूँ। आपको आपसे जहाँ बैक फ्लिप सीधी नहीं लग रही तो आपको टेढ़ी मारने की कोशिश करनी है। जैसा कि आपको बताता हूँ मैं, आप राइट ही हो तो आप कैसे टेढ़ी मारोगे। आपने बैठ कर प्रेशर लेना है और इधर की ओर जाना है, इधर की ओर ऐसे करना है आपने। और एक बारी और उतारूँ मैं, एक बारी ऐसे जाके ऐसे जाना है, कोशिश करनी है ऐसे की। फिर एक बारी इधर आ जाऊँ, अब लेफ्टी को बताता हूँ मैं। अगर आप लेफ्टी हो तो आपने फिर ऐसे टेढ़ा करके ऐसे करनी है, फिर ऐसे करने की कोशिश करनी है। या आप एक बारी फिर करके बताता हूँ, आप लेफ्ट ऐसे करने की कोशिश करनी है। तो ऐसे आप इन स्टेप को फॉलो करके एक अच्छी बैक फ्लिप सीख सकते हो। दोस्तों आपने जब मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।